जमू रे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। देख बसंती, बच्ची को अच्छी तरह रखियो और जो कुछ बताया है वो भी याद रखियो। और बेटा, तू तो हमारे गांव का दामाद है, जास्ती तो कह नहीं सकते। जैसे तैने अपनी घरवाली को रखा है, वैसे बच्ची को भी रखियो। अरे आप चिंता मत ना करो। कहना तो ना चाहिए मोको, तेरी माँ पोते की आस लगाए बैठी, रोते हुए गांव को लौटी है। उसे समझाइयो लड़का लड़की में कोई फर्क ना होवे है। चिंता मत ना करो। देख अब तू समझ ले, तेरी माँ अगर दूसरे बच्चे की जल्दी करे तो उसके कहने में मत आइयो। ना जी, आपने समझा दिया एक बार, अब चिंता मत ना करो। देख बसंती, ये मैं तुझसे कह रही हूँ, अगर तू 3 साल से पहले पेट से हुई तो बहुत परेशानी उठाएगी और मैं भी बहुत नाराज होंगी, समझे? अरे सुखिया, डांटो नहीं बच्ची को, वो खुद समझदार है। सारी समझदारी धरी रह जावे है जब रोज सास ननद की सुननी पड़े है। कोई ना कहने का ताई, मैं जो हूँ, आप चिंता मत ना करो। देख ले, तू जिम्मेदार है। और हाँ बसंती, वो जो तेरा मरा दूध की बोतल और डिब्बे लाया, वो सब मैंने वापस करा दिए। अरे सब बेकार की चीजें हैं। और बच्ची को अपना दूध पिला, 3-4 महीने तक इसे कुछ ना चाहिए। रात को भी रोए तो उठ के पिला दियो, कई बच्ची भूखी रह जावे। और क्या बताऊं बहन जी से? सब कुछ तो बता ही दिया तूने, बस बच्ची को साफ सुथरा रखे, अपनी सफाई रखे। कपड़ों का तूने बता ही दिया? हाँ जी, वो सब याद है, ढीले ढाले मुलायम, पुराने धोती और कमीजों से बनवा लेंगे, आप चिंता मत ना करो। बसंती, वो जो तैने लीलोन के गोटे जरी रेशम की फिराक खरीदी है, वो ना पहराइयो बच्ची को। जी वो तो समझ लो सब बेस्ट गए। चलो कोई नहीं, चिंता करना तो हमने सीखा ही नहीं। वैसे कोई परहेज वरेज? ना ना ना, कोई परहेज ना है। भर पेट खिला अपनी घरवाली को, दाल सब्जियाँ रोटी चावल। वैसे तुम्हारे उधर अंडा मांस तो खाया जावे है ना? ना जी, घर में ना बनता, पर मैं तो खा लेता हूँ इधर उधर। चलो कोई बात ना है, घर में ना बनता तो कोई बात ना। क्यों जीजा, खुद तो खाई आते हो, अब बसंती को ना खिला सको? खिला क्यों ना सकूं? अजीब वाह, पर बच्चा जब तक तो गोद में रहे खावेगी थोड़ी। क्यों ना खा सके, ये तुझसे किसने कह दी? बहन जी बताओ जरा इसे। सुखिया ठीक कहती है, किसी चीज से परहेज नहीं, बस जो खाए पेट भर के खाए। नहीं बैठो, माँ की खुराक अच्छी रहेगी तो दूध भी खूब होगा और बच्ची भी तगड़ी रहेगी। वो तो बात आपकी सही है, पर हमारे उधर जब तक बच्चा गोद में रहे। तुम्हारे उधर ही क्या, सब जगह परहेज कराते हैं, कहीं चावल से, कहीं दाल से, कहीं गाजर मूली से, कहीं बैंगन से, मीट मच्छी सरसों का तेल, जिसको जो समझ में आया उसी से परहेज करा देता है। पता नहीं कहाँ से शुरू होते हैं ये बेसर पैर के टोटके, लोगों का बस चले तो हवा पानी से भी परहेज करा दे। अरे आप यकीन नहीं मानेंगी बहन जी, हमारे यहाँ तो पहले के दिनों में बच्चा होने के 40 दिन बाद तक माँ बच्चे को अंधेरे कमरे में रखा जावे है, और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दे है, और खाना भी बाहर से सरका दे। भला बताओ, तो भैया ये सब बेकार की बातें हैं, ये जो चाहे खा सकती है। आ गई ना समझ में? तू चिंता मत ना करे,
अब जो चीज कहेगी वही खिला दूंगा। हाँ हमें तो मिठाई खिलाई ना, चिंता मत ना करो, चिंता मत ना करो। कहते कहते 3 दिन गुजार दिए। अरे ओ कौशल्या, शर्म ना आवे मुंह फट कहीं की। अजी मुंह फट के इसमें क्या बात है, ये तो इसका हक है, जरूर मिलेगी मिठाई। तू चिंता मत ही ना करे, है ना जिंजा? अच्छा ताई राम राम। राम राम। और सुन, 6 हफ्ते के बाद बच्ची को DPT का टीका जरूर लगवा लियो और पोलियो की खुराक। हाँ पोलियो की खुराक। अच्छा आप चिंता मत। अच्छा ताई राम राम। राम राम। सुखिया तूने कमाल कर दिया, पक्की डॉक्टरानी है गई है। अम्मा ऐसे बता रही ताई जैसे यहाँ की बड़ी डॉक्टरानी जे ही हो। सुखिया आज तेरी ट्रेनिंग पूरी, अब तो पक्की ट्रेन दाई हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ सुखिया, बहुत खुश हूँ। ताई ताई तो एक तख्ती लगवा ले, मिलने का टाइम सवेरे 8 से 10, शाम 4 से 6, गरीबों के लिए मुफ्त सेवा और सेठों के लिए रेट डबल। मुझे रख ले अपने कंपाउंडर, कोई बेबकत आवेगा ना तो भगा दूंगी, कहूंगी बहन जी आराम कर रही हैं, बाद में आना। अरे क्यों मुझे भड़ावे हैं, मैं जाहिल गवार अनपढ़ दाई, 2 बातें बहन जी से सीख गई, यही बतेरा है कि मोको अब सूखी रोटी मिलती रहे। ऐसा मत सोच सुखिया, तुझे काम की कोई कमी नहीं रहेगी। बहन जी जब से आपने जच्चा के केस लेने शुरू करे हैं सब लोग आप ही के पास आवे हैं, अब पुरानी दाइयों को कौन पूछे है। अब तू पुरानी दाई नहीं है, तू अब ट्रेंड है, लोग तेरे पास भी आएंगे। मैं सबको बताऊंगी कि सुखिया अब ट्रेंड है। एक बात कहूं बहन जी? बोलो। आप असरपी का केस इसे दे दो, सब जाने कि असरपी ने इसके पास जाने से मना करा हा। जो असरपी का केस इसके हाथ हो गया तो इसका काम चल निकलेगा। तुम ठीक कहती हो मीरा देवी, अब अशर्फी का केस सुखिया ही करेगी। मुन्नी की तिकोनी रोज रोज धोनी, नरम मुलायम लता जैसे कोमल पत्ता। मुन्नी की तिकोनी रोज रोज धोनी, नरम मुलायम लता जैसे कोमल पत्ता। मुन्नी की नहीं मुन्ने की। मुन्ने का हिंडोला हवा लगी तो डोला, अब्बा ने बनाया अम्मी ने झुलाया। मुन्नी की चादरिया झबला और चुनरिया, अम्मा ने बनाई मुन्नी के मन भाई। अरे बहन जी आप, ताई राम राम। राम राम। बाजी सलाम। सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ बाजी, आओ अंदर आओ। अंदर की क्या खबर? अंदर खोए लै जी, जैसे हाथ पांव चला रही हूँ। अच्छा बाहर आना चाहती है? बाजी अब और कितनी देर लगेगी, मुझसे और इंतजार ना होता। अब तो आज कल की बात है, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, देख चच्ची की में कोई गड़बड़ नहीं हुई, तेरी सेहत भी ठीक ठाक है और महीने महीने जांच भी करवाई है, टीके भी लग चुके तुझे, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होगा। अब तो तू बिल्कुल बेफिक्र रहे, तेरा बच्चा सुखिया के हाथ होगा। क्या सुखिया के? क्यों बाजी, तुम तो कह रही थी कि तुम कराओगी। अरे एक ही बात है, बल्कि सुखिया को तो 30 साल का तजुर्बा है, तू घबराती क्यों है? नहीं बाजी मैं नहीं, तुम ही करो ना, मुझे डर लग रहा है। देख अशर्फी डर निकाल दे मन से, अब ये सुखिया पुरानी सुखिया नहीं है, आज उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तजुर्बा था ही उसको, अब ट्रेनिंग भी हो गई है, इससे अच्छी दाई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नहीं बाजी, बाजी नहीं ऐसा मत करो,
मेरे बच्चे को कुछ है जाएगा बाजी, बाजी नहीं। ए ताई रुक जा ताई। ये तूने क्या किया शर्फी? कितनी आस लेकर आई थी बिचारी, आज के खातिर उसने इतने दिन पढ़ाई सीखी है। इस उम्र में किसी में हिम्मत है, लेकिन उसने सीखा है। इतनी तजुर्बाकार औरत मेरे साथ जिसकी उम्र उसकी बेटी से भी कम है, मेरे साथ हेल्पर की तरह काम सीखा है, अपनी सारी पुरानी धारणाएं बदली है, नए वैज्ञानिक तरीके सीखे हैं, और तूने इतनी आसानी से कह दिया कि तेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। बाजी मैं क्या करूं, मुझे नहीं भरोसा उस पर। सुखिया पे या पढ़ाई लिखाई पे? भरोसा नहीं ज्ञान पे, ट्रेनिंग पे, साइंस पे? अरे पढ़ लिख के तो मिट्टी के माधव विज्ञानी बन जाते हैं, और सुखिया को तो 30 साल का तजुर्बा है। तू क्या समझती है पढ़े लिखे लोग आसमान से टपकते हैं या देवी देवता की कृपा से उन्हें ज्ञान मिल जाता है? अपने तरफ देख, तू नहीं बदली पढ़ाई लिखाई से, कमला नहीं बदली, कह दे कि बेकार है पढ़ाई लिखाई, बंद करवा देते शिक्षा केंद्र। जब लोग नहीं बदलेंगे क्या फायदा है इतनी माथा पच्ची का? यही मतलब है ना तेरी बात का? देखा शर्फी, मेरे जैसे शहरी लोगों का मुंह छोड़ दे, अपने चारों तरफ देख, सुखिया जैसी गांव की औरतें ही आगे आएंगी पढ़ लिख के। डॉक्टर बोली। टीके के लिए कुछ देर इंतजार करो। मुझे आगे ना बोलेगी? हाँ? क्या सो गई है क्या? नहीं, क्या लिखा तुमने? डॉक्टर बोली टीके के लिए कुछ देर इंतजार करो। अरे क्या लिखवा दिया मैंने, मेरा तो भेजा ही काम ना कर रहा। को तो कुछ समझ ही ना आवे है, ताई भी मुंह फुलाए बैठी। मुझे कुछ बात हुई क्या? अरे कुछ ना हुआ। तुम लोग ये इमला छोड़ो, ऐसा करो 22वें पाठ के सवाल जवाब कर लो। ए ताई तू क्यों ना खोल रही है? अरे नहीं खोल रही तो नहीं खोल रही, तू क्यों पीछे पड़ी उसके? और वैसे भी तुम सबसे आगे चल रही है। आगे चल रही है। पढ़ गीता, पहला सवाल पढ़। दो बच्चों में कितने साल का अंतर होना चाहिए? सोना दे बता इसका जवाब क्या है। मुझसे ही पूछे, ये तो सुखिया बतावेगी। अब तो इसने ट्रेनिंग भी कर ली, खाक कर ली ट्रेनिंग। क्यों पूरी ना हुई तेरी ट्रेनिंग? उषा बहन जी तो बता रही थी कि आज है जाएगी। है तो गई पूरी। ए ताई बताती क्यों ना है? उषा बहन जी ने गले लगाया ताई को, इतनी तारीफ करी। अरे फिर उदास क्यों बैठी है ताई? तुमसे कहा ना रहन दो ताई को, सगरी हाथ धो के पीछे पड़ जाओ इंसान के। कहन दे रही कहन दे सुशीला, कल को तो सबको पता चल जाएगा, अब क्या छुपाना। क्या हुआ रही ताई, क्या हो जाएगा? ये पता चल जाएगा कि बुढ़िया का दिमाग खराब है गया बुढ़ापे में। इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग करी, पढ़ना लिखना सीखा, अब होगी जा घसाई कि बुढ़िया चली थी ट्रेन दाई बनने को। 30 साल से इस गांव में दाई गिरी करके ये सुनने को मिला मोको कि सुखिया बच्चा कराएगी तो मेरे बच्चे को कुछ है जाएगा। रोजी रोटी तो पहले चल गई, पची कुची इज्जत भी चली गई। अब तो ताई जब मैंने कह दी तुझसे कि मैं जाऊंगी अशरफी के पास, तो क्यों बात का बतंगड़ बनाती है? और उषा बहन जी बात कर रही है उससे, थोड़ा इंतजार कर। क्यों क्या अशरफी ने कुछ कह दिया? जिस चीज के बारे में मैं बात ना करना चाहूं वो जरूर पूछो तुम। अरे उषा बहन जी ने अशरफी से कहा कि तेरा बच्चा ताई करावेगी तो उसने इनकार कर दिया। अब इसे लग रहा है
कि ट्रेनिंग के बाद पहले केस में इनकार है गया तो इसके पास कोई ना आने का। मेरे सामने तो उषा बहन जी ने तुझसे कही कि वो सबको तेरे बारे में बताएंगे। जब असरफी ने ना सुनी उनकी तो और कोई क्यों सुनने लगा। मैं तो जेम हुई ट्रेनिंग करके पछताई। उल्टा सीधा मत ही बोलताई। इस ट्रेनिंग से तेरा भी भला होगा और गांव का भी। अरे नहीं करवाती अशरफी तो ना करवाए। अकेली वही तो नहीं है इस गांव में जिसके बच्चा होगा। और भी केस आवेंगे तेरे पास तो धीरज धर। देख तो लिया धीरज का फल। अरे चुप भी कर फिजूल की बहसबाजी। चलो री तुम जाके देखो अपनी पढ़ाई। हाँ क्या था पहला सवाल? दो बच्चों में कितने साल का अंतर होना चाहिए? गीता कितने साल का अंतर होना चाहिए? दो बच्चों में कितने साल का? ओ सुशीला। हाँ सुखिया है यहाँ पे? हाँ मुसी है। अरे जल्दी केंद्र पे पहुँच असरफी का बखत आ गया है। उषा बहन जी बुला रही है तुझे। मुझको क्यों बुला रही है? अरे असरफी कह रही है उसका बच्चा तू ही करावेगी। जल्दी पहुँच। सुशी